अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किस्मत बहुत ही अजीब चीज़ है जो किसी भी वक्त पलट सकती है और इंसान को रातों रात अमीर बना सकती है। और आज हम आपको ऐसे लोग दिखाएंगे जो अचानक करोड़पति बन गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, गोल्ड फॉर ज्वेलरी। दोस्तों, ये वाकया अमेरिका का है, जहां कुछ मजदूर जंगल में दरख्त काट रहे थे और दरख्तों की जड़ों को काटने के लिए खुदाई कर रहे थे कि इन्हें खनकने की आवाज आई। तो उन्होंने पुलिस को बताया और फिर यहां एक माइनिंग टीम पहुंच गई। इन्होंने मेटल डिटेक्टर लगाया और फिर खुदाई की तो नीचे से एक तांबे की देगची मिली। और इसको जब निकाला और देखा तो इसमें सोने और चांदी की ज्वेलरी मौजूद थी। फिर और खुदाई की गई तो एक और देगची मिली जो काफी बड़ी थी। इसमें भी सोने और चांदी के जेवरात और एक और सोने की चिड़िया मिली। दोस्तों, ये सोना 10 से 12 करोड़ का था और 2 करोड़ इन मजदूरों को दे दिया गया और बाकी हुकूमत ने खुद रख लिया। नंबर 2, गोल्ड स्टोन इन नॉर्वे। दोस्तों, ये वाकया नॉर्वे का है। यहाँ एक टूरिस्ट एक टेले पर एडवेंचर के लिए चढ़ा और वहाँ इसकी नज़र एक सोने के रंग के एक पत्थर पर पड़ी। इसने पत्थर उठाया तो इसको लगा ये एक आम पत्थर है। इसे 2 पत्थर और मिले और इसने वो तीनों बैग में रख लिए। बाद में इसे पता चला कि इसे 22 किलो के सोने के पत्थर मिले हैं और अरबपति बन गया। अब नॉर्वे में उसके 3 होटल हैं। नंबर 3, गोल्ड बार। दोस्तों, आजकल सोना बहुत महंगा है और लोग इसको बहुत कम खरीदते हैं, इसलिए गाहकों की तवज्जो के लिए गोल्ड कंपनी ने गोल्ड बार एक बॉक्स में रख दिया और इसमें एक होल रखा और बताया कि जो भी अंदर से इस बार को निकालेगा ये इसकी हो जाएगी। मगर ये होल छोटा था और ये इंतहाई मुश्किल था। मगर कई लोगों ने किस्मत आजमाई और कई लोगों ने घर में वैसा बॉक्स बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसे ही एक लड़का काफी प्रैक्टिस के बाद गया और उसने 12 किलो सोना पा लिया और बहुत खुश हुआ। नंबर 4, दोस्तों, ये वाकया भारत के एक शहर हैदराबाद के एक छोटे से गांव का है। यहाँ खुदाई के वक्त मजदूरों को एक पीतल की देग मिली और जब वो निकाली तो मीडिया और पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे और निकालने के दौरान वहाँ पूरा गांव मौजूद था। इस देग को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला गया। इसका ढक्कन सील बंद था। इसको खोलने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया और ढक्कन को काटा गया तो इस देग के अंदर गंदे पानी के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। नंबर 5, दोस्तों, ये वाकया भारत के एक गांव रुद्रपोली का है। यहाँ ये मजदूर कब्र खोद रहे थे तो अचानक इनका बेलचा किसी धात से टकराया तो इन्होंने हाथों से मट्टी हटाना शुरू कर दी तो इन्हें चमकदार सोने का घड़ा मिला। इसको जब खोला गया तो इसमें एक थैली मौजूद थी। इस थैली में इन्हें सोने का हार और एक अंगूठी और छोटे छोटे हीरे मिले। और दोस्तों, ये सोना लगभग 4 करोड़ का था। नंबर 6, गोल्ड रिवर इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक सोने का दरिया भी बहता है। आपको बता दें कि इसमें सोना बहता है और इसके पत्थर और रेत के अंदर सोने के टुकड़े मिलते हैं। मगर इन टुकड़ों में 50% सोना होता है और इस दरिया से सोना निकालना गैर कानूनी है। ये सोना कहां से आता है किसी को मालूम नहीं। साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं। नंबर 7, दोस्तों, ये वाकया है एक निक नाम के आदमी का। ये एक मैकेनिक है और टैंक बनाता है। वो पुराने टैंक खरीदकर इन्हें बनाकर बेच देता है। ऐसे ही इसने एक टैंक $37,000 में खरीदा और इसे ले आया और इसे रिपेयर करने के लिए खोला और जब इसकी तेल की टैंकी खोली
तो इसको कई सारे सोने की ईंटें मिली। तो इन्होंने घबराकर पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस ने इनकी ईमानदारी पर एक ईंट इनको दे दी और बाकी हुकूमत के खजाने में जमा कर दी। नंबर 8 दोस्तों, ये वाकया है भारत के शहर पना का। वहाँ एक मजदूर जिसका नाम मोतीलाल है, वो एक जगह मजदूरी के दौरान खुदाई कर रहा था। तभी उसे एक चमकदार चीज मिली और बाद में इसे पता चला कि ये एक कीमती हीरा है और इसकी मालियत 4 करोड़ के लगभग है। अक्सर हीरे इस शहर के आसपास मिलते रहते हैं और मोतीलाल ये हीरा पाकर बहुत खुश हुआ। नंबर 9 दोस्तों, ये कहानी है फिलिपाइन के फिशरमैन की। ये आदमी समंदर के किनारे पर अपनी कश्ती अटक जाने की वजह से नीचे गया और जब जाल को खोल रहा था तो इसे जाल में एक पत्थर नजर आया और इसे लगा कि जाल में कोई खूबसूरत पत्थर है, तो वो इसको अपने घर में ले आया और इसे घर लाकर अपने पलंग के नीचे जमीन में दुबा दिया। फिर वो भूल गया और इसे 10 साल गुजर गए और अचानक इसके घर में आग लग गई तो वो घर छोड़कर जा रहा था। तभी उसने वो पत्थर निकाल कर अपने एक दोस्त को दे दिया। जब उसने देखा कि ये एक मोती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये मोती 22 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा था और 34 किलो वजनी था और इसकी बाजार में कीमत 670 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्पिन फॉर को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।